नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। चक्रवात तौकते के बाद अब एक और चक्रवात यास ने दस्तक दे दी है। समुद्री तूफान यास अति भीषण रूप में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि यास अभी ईस्ट वेस्ट के मध्य बंगाल की खाड़ी में स्थित है और पिछले 6 घंटों के दौरान ये नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है। फिलहाल अभी ये पारादीप से 320 किलोमीटर और बालासोर से 430 किलोमीटर दूर पोजीशन पर है। चक्रवाती तूफान की वजह से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अभी ये तूफान पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में है, जो उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फॉर पर्टिकुलरली फॉर टुडे 25th रेड वार्निंग फॉर केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, पर्टिकुलरली फॉर रेन, दैट मीन्स एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल चांसेस आर देयर ओवर दिस डिस्ट्रिक्ट, दैट इज रेनफॉल विल एक्सीड मोर देन 20 सेंटीमीटर। एपार्ट फ्रॉम दैट, ऑरेंज वार्निंग फॉर मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खोर्धा एंड पुरी, दैट इज वी आर एक्सपेक्टिंग हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, दैट रेनफॉल विल बी अराउंड 12 to 20 सेंटीमीटर एट ए फ्यू प्लेसेज ओवर दिस डिस्ट्रिक्ट। एपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर 26th we have issued the warning is for particularly Bhadrak, Balasore, Jagatsinghpur, Kendrapada will get extremely heavy rainfall at a few places, that is 25 to 50% of the places will going to be getting rainfall more than 20 centimeter. We are expecting 150 to 160 gusting 180 kmph over Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak, Balasore. These are the 4 districts which are going to be most affected due to the cyclone, severe cyclonic storm, yes, which is supposed to be more intensified and cross the land by becoming a very severe cyclonic storm around tomorrow noon. For port warning particularly, because the cyclone is approaching to the coast and we issued the highest danger signal, that is danger warning number 10 for Dhamra port and Paradip port. And for Puri port, we have issued danger, the great danger signal number 8, that is the warning signal number 8. And for the Gopalpur, we have kept posted the warning signal number 3. चक्रवात यास की वजह से उड़ीसा के भुवनेश्वर और बंगाल के दीघा में बारिश पड़ रही है। इसके अलावा भी अन्य हिस्सों में चक्रवात का असर दिख रहा है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह बहुत ताकतवर तूफान है, जिसके कारण केंद्रपाड़ा, भद्रक, जगतसिंहपुर, बालासोर में भारी बारिश हो सकती है और इस वजह से यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खोर्धा और पुरी में भारी बारिश की संभावना है, इसके लिए यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों में भारी तबाही होने की आशंका जताई है, जिसके मद्देनजर उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने चक्रवात यास को लेकर चिंता जताई है। नवीन पटनायक ने कहा कि ऐसे समय में जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे पास साइक्लोन यास के रूप में एक और चुनौती है। प्राथमिकता हर जीवन को बचाना है। मैं उन सभी चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वो सब शेल्टर होम में चले जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।